आज के इस संविधान सम्मान सम्मेलन के इस महाराष्ट्र के नहीं इस पूरी देश के आशा की किरण जिससे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश ने अपनी उम्मीदें लगा रखी है, ऐसे आज के हमारे खुसूसी मेहमान आली जनाब इज्जतमान इस महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल साहब स्टेज पर हमने आज बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकली लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि शब्बीर भाई हमको बुलाइए। वो प्रोग्राम नहीं है पॉलिटिकल लोगों का, जिन लोगों ने इस महाराष्ट्र में जमीनी सतह से और कुछ अपने समाज के लिए काम किया है, ऐसे ही लोगों को हम मधु करेंगे, ऐसे ही लोगों को हम बुलाने वाले हैं। उनमें से आपके सामने ये जो लोग हजरात बैठे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं हमारे साथ। मैं समझता हूं 25 साल से कम कुनबी सेना के सर सेनापति जो संस्थापक भी है विश्वनाथ पाटिल यहां स्टेज पर बैठे हैं, जिन्होंने अपने समाज के लिए कुनबी समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, ये विक्रमगढ़ के रहने वाले हैं और हमारे कंधे से कंधा लगाकर जिन्होंने हमेशा काम किया है। और एक खद्दावार शख्सियत उसी समाज से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर बबन जी तायवाड़े साहब, मैं उनका बहुत ही ममनून और मशकूर हूं कि मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूं, परसों के दिन उन्होंने सीएम के हाथ से हमारा सत्कार करवाया है। वो एक बहुत बड़े फिकर को लेकर के अभी हिंदुस्तान में चढ़ रहे हैं और उन्होंने ये ओबीसी महासंघ बनाया है और बड़ी प्रैक्टिकली तौर से मैं देख रहा हूं कुछ सालों से वो काम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर तायवाड़े साहब, माफ करना हमारे जानकर साहब को इसके लिए भी माधव जानकर का नाम नहीं आ रहा था क्योंकि वो मुझसे उम्र में भी बहुत छोटे हैं और हमने बहुत साथ मिलकर काम किया है। मैं समझता हूँ पहला इलेक्शन मैंने उसको अपने ओबीसी बहुत से लड़ाया उस इलेक्शन एमपी का लड़े हुए जानकर साहब ने वो मीरज के ओबीसी बहुत से लड़े और बड़ों बड़ों की लड़ाई में जहां से पूरे महाराष्ट्र का राजकारण चलता है 50-50 पहलवान जानकर साहब के साथ रहते थे हमारे आज के कैबिनेट मिनिस्टर माधव जानकर साहब। मैं क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको कहना चाहिए था मैं जानकर साहब जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के जिनका ताल्लुक ओबीसी से नहीं है, जो एक बहुत बड़ी जमात से ताल्लुक रखते हैं, आज कल हिंदुस्तान में मजलिस मशावरत जो 67 में बनी थी, जिसने एक बड़ा कारनामा किया है, आज उसको चला रहे हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं इंटरनेशनल फिगर है, हमारे बीच में मौजूद है मुस्तफा फारूक साहब। मुस्तफा फारूक साहब यहाँ पर आए, इंटरनेशनल फिगर है, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत कम जानते हैं लोग, बहुत इंटरनेशनल है। हमारे साथ यहाँ पर बैकवर्ड कमीशन में भटकिया विमुक्त जाति जमात, जिनकी भटकिया विमुक्त जाति जमात वो भी मेरे साथ जमाने से काम कर रहे हैं और मागस वर्ग आयोग के सदस्य भी रहे, ऐसे डॉक्टर कैलाश गौड़। स्टेज पर बैठे हुए ये लोग ऐसे हैं, अगर जो इन्होंने तय कर लिया और अगर ये एक जगह आ जाए और हम सब लोगों का हकीकत में 52% का और हमारा सबका साथ हो जाए तो इस महाराष्ट्र की सत्ता पलट सकती है, ऐसे लोग आज हमारे स्टेज पर। ये पॉलिटिकली लीडर नहीं है, आश्वासन देने जाने वाले हैं, ये खाली वादे करने वाले नहीं है, ये ऐसी शख्सियत है। हमारे बीच एक नौजवान बच्चा है जो मेरा साथी है, मेरा शिष्य भी है, वो
बारह बलुतेदार संगठन चलाता है, एक मामूली सी समाज से ताल्लुक रखता है, नाभी समाज से ताल्लुक रखता है। मालूम होना चाहिए कि ओबीसी वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इससे कभी छोटी और बड़ी जमात को नहीं समझा। और बिहार के एक मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जो मेरे गुरु भी थे, जो मेरे घर भी आए थे, वो नाभी समाज से ताल्लुक रखते, वो नाभी समाज से ताल्लुक रखते थे। ऐसे कल्याण दड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं ज्यादा काम ना लेते हुए मैं तमाम स्टेज पे बैठे हुए काबिले एहतराम शख्सियतों का यहाँ पर मैं उन्होंने मौका दिया है बैठी हुई है। और आप तमाम लोग, हम मुझे मालूम है कि बंबई से बहुत कम नहीं के बराबर लोग हैं, मगर ये लोग जो है पूरे पूरे 34 जिले से आए हुए हैं मैं जानता हूं। अगर तुम्हें सबको पहुंचे बताऊं तो हर एक अपना अपना इंट्रोडक्शन था, मैं जानता हूं और वो आए हैं। ये बहुत बिल्कुल सही बात है। और बंबई के लोग ये चाह रहे थे कि बंबई के लोगों को इसमें जोड़ना शुरू कर दो, और हम कर रहे हैं और आएंगे। आज नहीं तो कल बंबई के लोग इसके अंदर पूरी ताकत से जुड़ेंगे, इसको कोई शक नहीं। सबसे पहले मैं मेरे अपने गुरु, मेरा गुरु कोई मुसलमान नहीं है, किसी मुसलमान ने मुझे प्रेरणा नहीं दी है। ये आज जो कुछ भी मुस्लिम समाज को मिल रहा है वो मेरे गुरु एडवोकेट जनार्दन पाटिल, एडवोकेट जनार्दन पाटिल, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी पर प्रकाश, उन्होंने कहा शफी भाई अपने समाज में जाके काम करो, इनको ओबीसी नहीं समझता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का घटना का दस्तूर का दिया हुआ राइट है, ये वर्ग है, क्लास है, पेशा है, जैसा हम करते हैं वैसा ये लोग भी करते हैं, इनको समझता नहीं, इनको समझ नहीं है, आप करो। और आपको याद होगा कि मैंने 78 से मेरे अच्छे कारोबार को छोड़ दिया, अपना घर बार और निकल गया। 15 साल इस कौम ने मुझे मारा, हर जगह मारा, बहुत मार खाया मैंने, सबको मालूम बहुत मार खाया, कोई नहीं समझता था कि मुसलमान चले, कोई नहीं आता था, मार देते मुझे, आने देते थे, काफिर का भी फतवा दिया गया, इसको मैंने तो मत आने, मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ा कि मेरा गुरु ऐसा जनार्दन पाटिल कर्पूरी ठाकुर मेरे पास आए, मेरे पास गए, मत नहीं जबकि भाई जाना पड़ेगा। और मैं पूरे महाराष्ट्र में कोई ऐसा गांव ऐसा दिया, कोई ऐसा जिला नहीं है जो मुझे नहीं जानता, हर गांव हर देहात में मैं फिरा, हर जिले में मैं फिरा, पैदल फिरा, साइकिल पे फिरा, बस स्टैंड पे सोया हूं, कहां रहा कैसा रहा, मगर इन लोगों में अवेयरनेस लाया हूं और ये लोग मेरे साथ फिर साथ हो गए, और साथ होने का फायदा हमको जरूर मिला, और मिलने के बाद में हमारा एक ऐसा जिया निकला जिससे यहाँ से हमारी शुरुआत हो गई। भुजबल साहब बड़े खुश होते थे जब हम यहाँ पर मीटिंग होती थी, मिलासराव जी के पास डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, दिलीप कुमार साहब को जब समझा कि ये बहुत अच्छा बच्चा काम कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे साथ मेरे, आपको मालूम है मैं जहां जाता था उनको लेके जाता था, लखनऊ में प्रोग्राम चलो, सांगली में प्रोग्राम देखो चलो, औरंगाबाद में चलो, दिलीप कुमार साहब पीछे पीछे बैठते थे, बोलते नहीं ये बहुत बड़ा काम है, भुजबल साहब बैठे हैं, भुजबल साहब को दिलीप साहब बोले भुजबल जी आप मानिए तो मैं भी बागवान हूँ, ये शब्बीर अंसारी ने मुझे बागवान बना दी क्योंकि मेरा क्रॉफर्ड मार्केट में फ्रूट का धंधा है। भुजबल जी बहुत अच्छी बात है, भुजबल साहब को सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है, मैं बागवान हूँ, जब दिलीप कुमार ने उनको बोला और बड़ा अच्छे से अंदाज में बोला, मिलाद राव जी थे, मुझे साहब बैठे थे, सब बैठे थे, मैं माली हूँ, मैं माली हूँ, मैं बागवान हूँ, गर्व से क्या लेना देना था, समाज को कितना काम किया आप जानते हैं, कैसा कैसा काम उन्होंने हमारे साथ किया तो आपको भी याद है, पूरी तरीके से पूरी तरीके से इतिहास है। ऐसे लोगों ने जिनका कोई लेना ना, कैसी मोहब्बत थी कि एक हिंदू समाज का आदमी, एक हिंदू समाज के लोग वो ये चाहते थे कि मुस्लिम समाज की प्रगति करे, वो ओबीसी के लोग थे, वो और कोई नहीं थे, ये ओबीसी के लोग थे, और उन्होंने कहा नहीं ये समाज भी तालीमी शैक्षणिक सामाजिक पिछड़ा है, इनको भी मिलना चाहिए। और कहते से कहता आज जो कुछ भी आपको मिल रहा है ये हमारे गुरु हिंदुओं की वजह से मिल रहा है, कोई मुसलमान ने प्रेरणा नहीं दिया, ये आपको समझना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा। और आज इसीलिए हमने सब इन लोगों को भी बुलाया है कि भाई नहीं प्रेरणा है, बहुत बड़ी प्रेरणा है, हम कोई पक्ष वगैरह को नहीं देखते,
मुजफ्फर साहब को अच्छे तरीके से याद होगा, जब मुजफ्फर साहब शुरू से मैं के मेयर बने बंबई के, हेलो नहीं मुजफ्फर साहब कोई भी पार्टी से बिलोंग करते होंगे, हमको कोई लेना देना नहीं, वो हमारे ओबीसी के नेता है, उनका बड़ा सत्कार ठाकुर चौधरी प्रकाश रामविलास पासवान हमारे गुरु जनार्दन पाटिल हम सब ने मिलकर के जब वो मेयर थे तो बंबई में ये नहीं देखा था कि वो कौन सी पार्टी के कौन से पक्ष के है, ये देखा था कि वो ओबीसी के नेता है और हमको आगे यही करना है, कौन कौन सी पार्टी का है कौन किस पक्ष का है नहीं, ये अगर जान करेंगे तो ये हमको जीने नहीं देंगे, मेरी जिंदगी देख रही है, ये मेरी जिंदगी देख रही है, हम बलवान तक के 10% 62% 75% है कहा, 16% सबसे ज्यादा आमदार है, 75% कहा है, किधर है बोलने वाले, बहुत सारी बातें इसके अंदर है, प्रैक्टिकली आप लोग जानते हैं हमारे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, हमको टिकट मिलता है भुजबल साहब आप लोग दिलाते हैं ओबीसी को, मगर जान बूझ करके ये लोग अपने आदमी को खड़ा करके हमारे आदमी को गिरा देते हैं और वहां तक जाने नहीं देते, ये बिल्कुल हकीकत है, करके हमारी संख्या वहां नजर नहीं आ रही, ओबीसी के अंदर नजर नहीं आ रही, मिलता है मगर हमको लेने नहीं दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, ताकत लगाई जाती है, और किससे हमको हराया जाता है, हमारे अपने लोगों से, हमारे अपने लोगों से जाओ अरे गिरा दो, हम देखते हैं हम जब साहब के काउंसलर ने दो चार ओपन गए थे पूरी ताकत लगी हुई थी महाराज तक ने और कहा कि भी कि भुजबल साहब चुन के नहीं आना चाहिए, ये नेता है भुजबल साहब से पार्टी से नहीं, भुजबल साहब की संता पार्टी से, अच्छे अच्छे लोग घबराते हैं डरते हैं, बहुत लोग घबराते हैं कि नहीं बाप भुजबल साहब समता पर सत्समता पर आज पूरा महाराष्ट्र का मान्य समाज चाहे वो कोई भी पक्ष में हो को मालूम है एक मिनट में ये काम कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल हकीकत है, और ये लोगों ने ऐसा ही काम किया है, जैसा भटके हो तुम बोला 12 बलूचिस्तान वाला कुंडी समाज का दो कुंडी समाज के बड़े बड़े नेता इस वक्त बैठे हैं हमारे यहाँ पर मौजूद है, वो सच है, हाँ धनगर समाज से हमारे नौजवान इंजीनियर है, मैं घर नहीं जाऊंगा मैं अपने समाज के लिए लड़ूंगा, कैसी कैसी मुसीबतें माधव जानकर ने उठाया वो हमको मालूम, कैसा कैसा माधव जानकर आज मिनिस्टर दिख रहा है, पर उसने क्या मुसीबतें उठाया होगा, अपना घर बार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया अपने समाज के लिए, अभी तक शादी भी नहीं करे, मैंने एक बार मुंडे साहब को बोला भीड़ में जब हमको मुंडे साहब बुलाए बोला मुंडे साहब जानकर साहब की शादी कर दो, अरे ऐसा मत बोलो अभी नहीं मेरे को तो बहुत कुछ उसको करना है, तो कहा भी तो शादी करना है उसके मुंडे साहब ने देखा और मुंडे साहब की याद आ रही है कभी आज हमारे बीच होते ऐसा नेता ओबीसी का हमको कहीं नहीं मिला, जो तड़प मुंडे साहब में थी मुझे उन्होंने हमेशा ये कहा कि शब्बीर भाई एक ही नेता है अपना वो है भुजबल साहब, इनको नहीं छोड़ना कभी नहीं छोड़ना, हमारे दिल्ली में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए पिछले 2010 में यही प्रोग्राम हुआ हमारा, मुंडे साहब जिंदा थे, सारे ओबीसी के एमपी एमएलए बहुत लोग थे, बराबर था सब था, मुंडे साहब के जिसमें यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था इसी हाल में और सबको यहाँ पर हमने ओबीसी बॉन कर दिया, ओबीसी बॉन मुंडे साहब और भुजबल साहब यहाँ मौजूद थे और दिल्ली में जब भी प्रोग्राम 2013 का जब हमारा दिल्ली में प्रोग्राम हुआ 13 की बात है भुजबल साहब बोले अगर जो भुजबल साहब नहीं आए तो मैं प्रोग्राम नहीं करने का लेना भी नहीं, भुजबल साहब का एक मुंडे साहब की बात थी कि वो पार्टी से कुछ भी बिलोंग करते थे वो शरद यादव के पास जाते थे, वो रामविलास पासवान के पास जाते थे, वो लालू के पास जाते थे, एक बार में तो पार्टी में बुलाया लेकर गए शरद यादव साहब तुम ओबीसी की बात करते हैं अरे सच्चा तो ओबीसी ये है, क्योंकि उनको मालूम था कि मंडल की लड़ाई में जेल में जाने वाला महाराज तो शब्बीर अंसारी है, जब 80 के अंदर हमने ये मंडल आयोग फिर के आया और जब आया पार्लियामेंट में तो उस वक्त के वजीर आजम कौन पार्टी थी आप देखिए इतिहास को समझना पड़ेगा, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, लेने से इनकार की मेहनत होने के बाद दस्तूर करने के बाद 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर में दस्तूर करने के बाद
तिरपन में बना, बचपन में हाल हुआ, अठहत्तर में क्यों बना, कैसे बना, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। वो पूरे देश में फिरा और जब उसने दिया तो उस वक्त वजीर आजम ने नहीं नहीं हम इसको नहीं ले, हमको नहीं समझ में आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद कौन था उस वक्त सत्ता में, ओबीसी को 45 साल किसने झुलाया, वो कौन सी हुकूमत थी जिसने उनके हुकूक छीने, क्यों नहीं बना कमीशन 53 में, क्यों नहीं बना 55 में, क्यों 78 में 80 में बना, तो क्या हमको आंदोलन, पूरे देश में हमने आंदोलन चलाया मेरे गुरु के साथ, कॉर्पोरेटों के साथ, बोर्ड कलम के ऊपर हमने एक बहुत बड़ा धरना दिया, 60 खालसा रमा साहब जेल में थे, अकेला मुसलमान शब्बीर अंसारी था। महाराष्ट्र में जब जेल हुई हमारे मंडल आयोग की, जब उस वक्त 10 साल में वक्त लगे उसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। जब वीपी सिंह ने करा एजुकेशन उसको करना चाहिए था, फिर जो वजीर आजम बना, प्राइम मिनिस्टर बना, फिर उसने उसने कार्या करना शुरू कर दिया। रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में होगी, जब भी हमको कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद में तिरंगा मामला, हमारी लड़ाई थी, हमने स्वामी विजयन के साथ में जैसा अलग अलग जगह तमिलनाडु में कर्नाटक में भी आगे तो बहुत करे आंदोलन, एक कितनी बहस हुई, 9-9 घंटे पार्लियामेंट में हुई। ओबीसी सो रहा था, हमारा समाज सोता है जागता है। 1950 में तरतूद हुई, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, फायदा कब मिला, 93 में जब सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने वो भी अधूरा, हमको उसमें कुछ भी नहीं मिला। 45 साल लग गए संविधान की बात करते हैं कि संविधान में, संविधान कब तोड़ मरो किसने किया, कौन सी पार्टियां की, 60 साल किसने राज किया, उस 60 साल के राज करने वाले लोगों ने हमारे ओबीसी का सत्यानाश किया, नहीं जानते कि सत्यानाश करने वाले कौन थे, कुछ नहीं, उन्होंने हमको कुछ मिलने नहीं दिया और मिल रहा तो आज भी कुछ भी नहीं। संविधान की बात करने वाले आज बोलते कि हमको डर लग रहा है, घटना ऐसी हो रही है वैसी हो रही है, क्योंकि हर एक इलेक्शन के सामने कुछ ना कुछ सामने लाते हैं। मगर मैं आपको बताते चलू, अरे संविधान बना ही नहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने, ऐसा संविधान बनाया था उसमें तो मुल्क में रहने वाला हर मजहब का आदमी फायदा उठा रहा था, खास तौर से ओबीसी, आज जो कुछ भी हमको मिल रहा है, क्या मुश्किलात भी, बाबा साहब को हम इतिहास पढ़ते नहीं, उस वक्त एससी और एसटी की व्याख्या थी, आइडेंटिटी थी, पहचान थी, शनाख्त थी, ओबीसी कौन था मालूम नहीं था, जब उन्होंने तरतूद रखे तो बाबा साहब के आंख पर गए कि ये क्यों रख रहे आप, जब भाई तो नहीं कहेंगे निर्भर, नहीं वो बहुत दूर अंदेश थे, और उन्होंने ही 340 तो आज वो मिल रहा है, अगर उस वक्त भी वो तो नहीं चाहते थे। कौन थे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के, कौन थे होम मिनिस्टर उस वक्त के जिन्होंने बाबा साहब को रोका था, कौन थी, किसकी हुकूमत थी, उन्होंने बाबा साहब जिद पे अड़ गए और 340 मंगाना था, और उसका भविष्य इतना बुरा उन लोगों ने किया। संविधान को बन के 4-5 महीने नहीं हुए थे बिल्कुल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं 1910 अगस्त 1995 में तोड़ मरोड़ कर दी गई। आज हिंदुत्व की बात होती, हिंदुत्व तो उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने लाया, और उन्होंने कहा एक सर्कुलर दिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारे मुसलमान खाटिकों को हलाल और मेहदरों को सहूलत मिलती थी, निकाल दिया, ऐसा एक प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाला कि यह सहूलत सिर्फ हिंदुओं को मिल सकती है। अरे हम कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से घटना ने सबको बराबरी कहा दिया है, कौन से दस्तूर की और कौन से घटना की बात करते हो तुम, उस दस्तूर को किसने तोड़ा। 1955 में ईसाइयों ने लड़ाई की, बोले नहीं हम हिंदू नहीं है, हमको नहीं मिल रहा, अमेंडमेंट हुआ। 1990 में 9 बुद्धों ने बोले हमको भी नहीं मिल रहा है, हम हिंदू नहीं है, हम 9 बुद्ध है, ये जेआर का फायदा हमको नहीं मिल रहा है, उसमें भी अमेंडमेंट हुआ, एक्चुअली भी अमेंडमेंट हो गए। फिर मुसलमानों ने और सिखाई ईसो ने क्या किया था भाई तुम्हारा, हर जिस गवर्नमेंट ने सच्चर कमिटी और रंगनाथन मिश्रा कमीशन बनाया, और वो रंगनाथन मिश्रा कमीशन, वो रंगनाथन मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसने गवर्नमेंट को लिखा, सिफारिश में लिखा कि जिस तरीके की घटना का पैराग्राफ 3 हटा दो, जिस तरीके से सिखों को भी और जिस तरीके से 9 बुद्धों को भी मिला, वो फायदा मुसलमानों को भी और ईसाइयों को भी मिलना चाहिए।
चाहिए था, अरे वो गवर्नमेंट किसकी थी, इतिहास याद करो, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया रंगनाथन मिश्रा को, सच्चा रमेंडी को रद्दी की टोकरी, कौन सा कौन हुकूमत थी वो असल दुश्मन थी हमारी, ओबीसी की भी और सबके लिए की भी। हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़े, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, हमारे लोगों को बात करना है तो संविधान का आज हमने किया कि संविधान का सम्मान इसके लिए करना चाहिए कि सम्मान में ये हमारे सबको सब कुछ मिला था, मगर वो जो गवर्नमेंट थी 60 साल जिसने गवर्नमेंट की, उन्होंने ही हमको तबाह बर्बाद किया। इतिहास को याद करो तो आप कैसी गवर्नमेंट चाहिए आपको, कौन से लोग एमएलए और एमपी चाहिए, जब तक हमारे लोग नहीं जाएंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला है। कितने आमदार है हमारे, कितने एमपी है हमारे, और जिनको दिया भी जाता है तो उनको गुलाम बना के रखा जाता है, टिकट दे रहे हैं, चुप बैठना, कुछ बोलना नहीं वहां पर। भुजबल साहब ने बहुत लड़ा, उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन दोनों हाउस में पास किया, पता है आपको नहीं मालूम, बहुत लड़े लड़े मगर पढ़ा हुआ है जरा से टेक्निकल, कुछ भी नहीं कि भी इनको परमिशन मिलना चाहिए, दोनों हाउस में पास हुआ, जानकर साहब पास है, मगर ओबीसी को कुछ नहीं मिल रहा है, कौन नहीं मिलने दे रहा है उनको, ये 16% के लोग, हकीकत में ये 16% के लोग ये चीज हमारे पास तक नहीं आने दे, कौन लड़ेगा फिर इसके लिए, एक ही नेता होना आप भुजबल जैसा जो हमारे लोग, हमको एक ताकत बनना पड़ेगा, इन सब संगठन के लोगों को इसीलिए मैंने बुलाया, सर सेनापति को दोनों कुंडली समाज के बलवृद्धदार को आपको सबको एक नेता हमको बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोगों को तो दला धन गिरा देते हैं, दला धन उड़ा देते हैं, आने नहीं देते, देते टिकट मगर उनके सामने मजबूत आते खड़ा कर देते, पैसा लगा देते और हमारे लोग हमको गिरा देते, हमारे लोग ही हमने क्या क्या नहीं किया है वो इतने घंटों दिनों लग जाएंगे, कई किताबें लिखी जाएंगी, इतना आंदोलन हमने किया 78 से 90 तक, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर तक कितने आंदोलन होंगे हम बता नहीं सकते, कितने आंदोलन, मेरा गुरु इसे मैं घर बार छोड़ दिया 40 साल से, जो मैं फिर रहा हूँ भटक रहा हूँ, मैंने कभी अपने घर में महीने में 2 महीने में एक दिन घर को गया, जैसे किसी ने बोला है यहाँ कि ना रहने को मुझे घर है ना फिरने को कोई पक्की अच्छी गाड़ी है, टूटी फूटी गाड़ी में जैसा दिन है वहां पे गया, कार्यकर्ताओं को बोलता छोलापुर में गया रहा मैं, इसमें डीजल डालो तो वो डाल देते, खा गया सांगोला में सांगे वगैरह में तू डाल दो तो वो डाल देते, मैं इस तरह से फिरता हूँ हो रहा है। और ये बहुत जरूरी है, और आज हमारे स्टेज पर वही इसलिए हमने लोगों को बोला ये लोग एक जगह हो जाए, मेरे विश्वनाथ पाटिल साहब से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरे जायर साहब से भी, कैलाश गौर से भी, हमारे माधव जानकर का तो सवाल ही पैदा ना हो तो है वो तो बिल्कुल, भुजबल साहब के लिए क्या लड़े वो हम जानते हैं, हम बोलना नहीं चाहते, वो मंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या गवर्नमेंट में लड़े वो जानते हैं, हम बताना नहीं चाहते, हमें जैसा ऐसा है ठीक है, हमारे जड़े साहब को आप सब लोग एक जगह आ जाइए, हम लोग भी सब जगह आने की कोशिश कर, हम सब चाहते हैं कि एक ही नेता होना, वो है लड़ने वाला, आप सब जानते हैं वो लड़ने वाला, पार्टी से कोई भी ताल्लुक रखो हमारे को कोई लेना देना नहीं, पक्ष से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, चाहे हम कोई भी पक्ष से रहो, अगरचे ओबीसी का है वो कहां से भी खड़ा हो उसको चुना के लाओ, उसको आमदार बनाओ, उसको खासदार बनाओ, जब भी हमारे मसले हमारे प्रश्न हल हो सकते हैं, और इसीलिए संविधान का सम्मान का जो आज हमने रखा है सम्मान करना चाहिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने सबके लिए सब कुछ बनाया था, मगर सब ने, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओडिशा।